कहो कैसा लगा तुम्हें? काफी रंगीन, पर तुम्हें तो पता है तुम्हारे डैड इससे बेहतर कुछ बना लेंगे। तुम दोनों का मुकाबला तो चलता ही रहता है। नहीं इस बार नहीं रॉडी, ये बहुत ही अलग है, वो देखकर हैरान रह जाएंगे। चलो उन्हें दिखाते हैं। हाँ पर हम जैसों को स्कूल भी जाना होता है, तुमने स्कूल का नाम सुना है? बेकार जगह, मैं रात को कॉल करके बताता हूँ कैसा रहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अभी से। मॉर्निंग टी। तुम्हारे डैड अभी एक घंटा पहले आए। थैंक्स जॉन। हाय डोनी। हे केव। हे मैट, कैसे हो? हाय कैरल। हाय टोनी। हे टोनी, क्या चल रहा है? हाय ट्रिश। आखिरकार तुम लैब से बाहर तो निकले, तुम्हारे डैड अंदर हैं। थैंक्स। नहीं, तुम अर्थ मोर का ट्रायल रन लेने की तैयारी शुरू करो, मैं एक घंटे में रिंग लेकर साइट पर पहुंचता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं। आपके अर्थ मोवर के लिए मैंने लेजर सिस्टम बनाए थे, वो चालू कर दिए? ये अभी तक बीते जमाने में ही जी रहा है। अच्छा मजाक है। लेजर्स के टेस्ट पूरे हो गए हैं और आज उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा, तुम चलोगे मेरे साथ देखने? एक्चुअली मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, टेस्टिंग ग्राउंड्स में कुछ बड़ा सा। बड़ा सा? अच्छा तो फिर हार्वर्ड। तुम जा सकती हो ट्रिश, कहो क्या काम है उबड़ा? अर्थ मूवर्स के मेरे प्रपोजल को तुमने रिजेक्ट क्यों किया? तुम्हें पता है मिलिट्री उसमें बदलाव के बाद हमें करोड़ों देने वाली थी। पर क्यों करे बदलाव? तुम चाहते हो कि लोगों की भलाई के लिए बने इन्वेंशन को हथियार बना दूं? ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद तुम नहीं जानते हार्वर्ड, इस फैसले से इस कंपनी और इसके शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। जानता हूँ, पर स्टार्क इंटरनेशनल मेरी कंपनी है। हार्वर्ड प्लीज फिर से सोच लो, कंपनी मेरी है और ये मेरा आखिरी फैसला है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता ओबडाया आपसे खुश है। तुमने शायद सही कहा। अब पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, फिर देखें क्या बनाकर तुम इतने खुश हो। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि चाइनीज एक्सप्लोरर्स न्यू वर्ल्ड में यूरोपियंस से काफी पहले से मौजूद थे। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें मिली, जो आर्टिफैक्ट्स उनमें से निकल रहे हैं, हैरानी की बात यह है कि उन सब का संबंध माकलोन रिंग्स से है। वाह कितना बोरिंग है। चाइनीज रिंग्स को जादू समझते थे, पर हमारी जांच से ऐसा पता चला कि वो शायद कोई टेक्नोलॉजी रही होगी। सोचो टोनी, हमारे पास आज से उससे कई एडवांस टेक्नोलॉजी और हजारों नहीं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सिर्फ कुछ सौ साल पहले। आप इस वक्त आने वाले कल की बुनियाद रख रहे हैं, लेकिन आपके शौक और विचार कितने पुराने हैं। उधर देखो स्मार्ट बेटे, वो तुम्हारा आविष्कार काम पर लगा है। हमारा बनाया हार्ड लाइट लेजर और टारगेटिंग सिस्टम स्कैल्पल जैसे काम करता है। रियल टाइम साइज्मोग्राफिक रीडिंग्स मिलने पर यह अर्थ मूवर न सिर्फ आर्कियोलॉजी में क्रांति लाएगा, बल्कि सोचो डिजास्टर रिलीफ में कितने फायदे होंगे। गिरे बिल्डिंग्स, भूकंप, तुम्हारा इन्वेंशन लोगों की जाने बचाने में काम आएगा टोनी। और इसके सामने आपका आखिरी इन्वेंशन स्कूल का मामूली प्रोजेक्ट लगेगा। हाँ, इसलिए एक महीने के लिए तुम्हारी काम से छुट्टी। क्या कितने सीधे हो, मजाक भी नहीं समझते। हार्वर्ड क्या आप अपनी मैजिक रिंग दे रहे हैं? सिर्फ आज के लिए, हम एक कंपेरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं रिंग और यहाँ मिले नए आर्टिफैक्ट्स के बीच में। जितना रिंग के बारे में जानेंगे हमारे लिए उतना ही आसान होगा उसके सीक्रेट्स को जानना।
ओके जीनियस, चलो टेस्टिंग ग्राउंड चलकर देखें तुम क्या लेकर आए हो। कहो ट्रिश। आई एम सॉरी मिस्टर हावर, मिस्टर स्टेन की रिक्वेस्ट है, वो आपसे इसी वक्त बात करना चाहते हैं। कोई बात नहीं ट्रिश, मुझसे बात कराओ। लगता है मुझे उबड़ाया को निकालना ही पड़ेगा, वो हथियारों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मुझे यकीन है वो फिर से अर्थ मूवर्स के बारे में बात करेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं जाकर लैंडिंग की तैयारी करता हूँ। हावर्ड, मैं तुमसे मूवर डील के बारे में बात करना चाहता हूँ। हुर्रे, मैं अमीर बन गया। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ हाँ कहने के लिए हावर्ड। अच्छा तो मैं भी इसे आखिरी बार ना मंजूर करता हूँ ओबडाया। टोनी, शुक्रिया मिसेस रोड्स, मैं अभी आता हूँ। जेम्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है, नाश्ता हो जाए तो तुम दोनों स्टार्क इंटरनेशनल जाना और वहीं से स्कूल। सब कुछ ठीक हो जाएगा टोनी, चिंता मत करो। फिर से चेक करेंगे, मेरा अपॉइंटमेंट है। नाम क्या बताया तुमने अपना? टोनी, टोनी स्टार्क। हाँ वही स्टार्क, स्टार्क इंटरनेशनल वाला जिसके लिए तुम काम करते हो। हाँ वो कहते हैं उनका अपॉइंटमेंट मिस्टर स्टेन के साथ है, अपना नाम स्टार्क बता रहा है। ठीक है, तुम जा सकते हो। आखिरकार तुम नहीं, सिर्फ ये। क्या? ओ, ये गलत है। रहने दो रोड़ी। तुम वाकई तैयार हो इसके लिए? हाँ, ये अभी मेरे डैड की ही कंपनी है। मिस्टर स्टेन तुमसे अभी मिलेंगे टोनी। नहीं, मैं चाहता हूं कि मिलिट्री के डिटेल्स के मुताबिक उसे बनाओ। सीईओ होने के नाते मैं मंजूरी देता हूं। ये क्या हो रहा है ओबडाया? तुम क्या कर रहे हो? टोनी टोनी टोनी, घबराओ मत, स्टार्क इंटरनेशनल सेफ हाथों में है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं तुम्हारे डैड के फ्यूनरल के बाद ज्यादा बात नहीं कर पाया, सब लोग सदमे में थे। पर मैं वादा करता हूँ कि मैं तब तक कंपनी को संभालूंगा जब तक तुम बालिग नहीं हो जाते। मैं अभी आना चाहता हूँ, ये कंपनी मेरे डैड ने बनाई थी, वो चाहते टोनी, तुम्हारे डैड यही चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम रोड्स के साथ रहो, स्कूल जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो। मुझे सारा रिसर्च, अपने डैड के नोट्स चाहिए और जो भी काम तुमने या तुम्हारे डैड ने किया वो अब कंपनी की प्रॉपर्टी है। स्टार्क इंटरनेशनल एक बिजनेस है, तुम्हारे खेल का मैदान नहीं। मिस्टर स्टीन, आपके अगले विजिटर आ चुके हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई टोनी, अब अगली मुलाकात तुम्हारे 18 होने के बाद। हे hey, कैसी रही मीटिंग? खैर छोड़ो, तुम ऐसे समझो कि 2 साल बाद तुम उसे निकाल लोगे। सब्र का फल मीठा होता है। क्या जाना जरूरी है तुम्हारे स्कूल में? अगर आज हम स्कूल ना जाएं तो मैं तुम्हें अपनी लैब दिखाना चाहता हूँ। कभी नहीं, अगर मॉम को पता चला कि हमने पहले ही दिन छुट्टी की तो हम गए काम से। तुम तो उन्हें जानते ही होगे, है ना? डैड भला क्यों चाहेंगे मैं स्कूल जाऊँ, कोई मतलब नहीं बनता। देखो ना उन्हें, मुझे सब कुछ घर पर। चलो दोस्त, एक बार ट्राई करके देखते हैं। जो तुम इस वक्त देख रहे हो उसे दुनिया का सबसे मुश्किल मैथ का सवाल माना जाता है और आज तक इसे कोई नहीं सॉल्व कर पाया है, पर हम जो सवाल करेंगे वो इससे काफी आसान है। और सर, 42
पर सवाल जब सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर का हो तो ऐसे वक्त में फिजिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट मैटर। प्रोफेसर, क्या आपके पास कोई और बुक है फिजिक्स की? ये तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। फिर एनर्जी पल्स सिस्टम को एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देते हैं, जिससे पैदा होते हैं वो, जिसको नाम दिया है मैंने स्टार्कट्रॉन। अच्छा, जो तुमने अभी अभी कहा उसे मुझे फिर से समझा सकते हो? अब इसके बाद क्या करेंगे? मुझे तो मजा आया। मेरी इंग्लिश की क्लास है और तुम्हारा फ्री पीरियड है, तो यहाँ वहाँ घूमो, मजे लो। ऊपर छत पर देखो, वहाँ बच्चे लंच करते हैं। मैं क्लास के बाद तुमसे मिलता हूँ। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। कोड स्टार्क 02। स्टार्क एक्सेस एक्टिवेटेड। स्कैनिंग अलर्ट। मेडिकल सिस्टम के मुताबिक यूजर के दिल और सीने में जबरदस्त डैमेज। ट्रीटमेंट चालू है। नेविगेशन सिस्टम्स एंगेज ऑटो पायलट। मुझे रोडी के पास ले चलो। तुम्हारे डैड वहां काम करते थे। क्या कहा? तुम हो टोनी स्टार्क, मेरा मतलब एंथनी एडवर्ड स्टार्क। तुमने भी वही काम किया क्योंकि तुम पहले भी कभी स्कूल नहीं गए, मॉम के बाद प्राइवेट पढ़ाई की थी। खैर छोड़ो। तुम जेम्स रॉच फैमिली के साथ रहते हो और तुम्हारे लीगल गार्डियंस हैं। तुम्हारे नाम लाखों पैटर्न्स हैं। और प्लेन क्रैश के बाद तुम एक हफ्ता गायब थे। वैसे तुम प्लेन क्रैश से बच कैसे गए? ये सच कहूँ तो बस किस्मत से। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरे डैड उस FBI टीम में है जो ओबडाया स्टेन से पूछताछ कर रही है। तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट के बाद सभी को स्टेन पर सबसे ज्यादा शक है। हाय, वैसे मेरा नाम है पेपर पॉट्स। टोनी जरा रुको। रुको, कहां गए तुम? मैं इस जगह पर पहले कभी नहीं आया। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे डैड के कंपाउंड को संभालते थे पर मुझे कभी आने नहीं दिया गया। टोनी, तो तुम इसी लैब को ठीक कर रहे थे? हाँ। ओके टोनी, पेपर जो भी कहती है तुम्हें एकदम सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कुछ भी बोलती रहती है। वो चाहे जो भी हो, लेकिन उसने सच कहा। और मैं सच का पता लगाना चाहता हूं। तो अब तुम क्या करोगे? स्टीन को पीटोगे क्या? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। मैं उसे सबक सिखा के सच उगलवाऊंगा। सच में? हाँ, मैंने कुछ सोचा है। कवच में एक सर्वेलेंस सिस्टम लगा है, मैं उसकी मदद से स्टेन की जासूसी करूंगा। देखता हूँ उसे क्या पता चलता है। सर फेरा कहीं का। टोनी, माफ करना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये एक रिमाइंडर अलार्म है, मुझे एक घंटे में चार्ज करना होगा। ये अच्छा आइडिया नहीं है टोनी, और इसकी कई सारी वजहें हैं।
देखो तुम जख्मी हो, तुम्हारे दिल के इम्प्लांट को रिचार्ज न किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब ठीक है मॉम। हाँ, लेकिन तुम्हारे दिल के इम्प्लांट के अलावा अगर तुमने कवच में खुद पर जोर दिया या उसका पावर गया या बिजली टकराई तो मुझे नहीं पता, तुम्हारा दिल बैठ जाएगा। मुझे करना ही होगा रोडी, डैड के लिए। मैं उन्हें नहीं बचा पाया, पर स्टेन को तो रोक सकता हूँ। मैं डैड की बनाई हर चीज को बचाऊंगा। सुन रहे हो टोनी? रोडी, तुम्हें ये ट्रैक करना चाहिए। तुम मुझे सुन रहे हो? हमें तुम्हारा सिस्टम अपग्रेड करना होगा और ये जबरदस्त है। पता है तुम उस बिल्डिंग से टकराने वाले हो। हाँ, मुझे टर्न लेना है। ओके ओके, ठीक है, मैंने सब संभाल लिया। ये सूट इस्तेमाल करने का मुझे पहले कभी मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी बातों से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। मैं सैटेलाइट फीड के जरिए स्टार्क मेन फ्रेम को हैक कर रहा हूँ। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आधा तो मैंने ही बनाया था। मैं जेट क्रैश से पहले स्टेन के सब रिकॉर्ड्स डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ। रुको, क्या वो यकीन नहीं होता? स्टेन नहीं माना। स्टेन ने मेरे डैड के अर्थ मोर को हथियार बना दिया और मेरे लेजर सिस्टम को भी। स्टार्क सिक्योरिटी में एक अलार्म आ रहा है, एक ट्रेन है जो बेकाबू हो गई है। रुक जाओ, स्टेन एक लाइव ट्रांसमिशन भेज रहा है। रोडी, वो शायद अर्थ मोर्स बेच रहा है। टोनी, कुछ गड़बड़ है। ट्रेन स्पीड में है, उसे प्राइवेट स्टार्क ट्रैक्स पर रिपोर्ट किया गया है। वो स्टार्क टावर में क्रैश हो जाएगी। रुक जाओ, मैं क्या, अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। वो बिल्डिंग के पावर जनरेटर से टकराएगी, इससे पूरी बिल्डिंग को। मुझे उसे रोकना होगा। मैं रोक सकता हूँ, इसके लिए बस ट्रैक बदलना होगा। पहले उसे स्लो करना होगा। मैं शहर के मेन फ्रेम से जुड़ गया हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रैक स्विच काम नहीं कर रहे हैं, अजीब है। टोनी, ट्रेन कहाँ है? ओह, रुक जाओ, मैं ट्रैक स्कीमेटिक्स फाइल ढूंढ रहा हूँ। मिल गई। तुमने क्या किया? ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर मोड़ दिया। वो लाइन सिर्फ स्टार्क टावर जाती है। जिस ट्रैक पर तुमने मोड़ा है वो पूरा नहीं हुआ है। अब स्टार्क टावर से टकराने के बजाय ट्रेन शहर के बीच कहीं गिरेगी। ओप्स। कमॉन कमॉन, सोचो। मेडिकल अलर्ट इन प्रोग्रेस, कार्डियो इम्प्लांट एनर्जी लेवल खत्म हो रहे हैं, रिजर्व चालू हुआ। टोनी, तुम्हारे दिल को रिचार्ज करना होगा, इसलिए रुक जाओ। नामुमकिन, कई लोग हैं, नहीं रोक पाऊंगा। रहने दो। अरे क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो।
चार्जिंग इन प्रोग्रेस। आसान था। तुम तो आज सभी खबरों में छा गए हो। हजारों लोगों के मोबाइल फोन के वीडियोस में सिर्फ तुम हो। वो तुम्हें आयरन मैन कह रहे हैं। टोनी, तुम हीरो बन चुके हो। मेरे डैड हमेशा चाहते थे टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की जान बचाई जाए, और मैं भी यही करने वाला हूँ। आयरन मैन यही सब करेगा। मैं स्टार्क इंटरनेशनल को धोखेबाजों से बचाऊंगा, और इसके साथ साथ अपने डैड का बदला भी लूंगा। मास्टर, प्लान फेल हो गया। स्टार्क टावर से टकराने से पहले ट्रेन रुक गई, हमें रिंग नहीं मिली। ये तुम्हारे जीवन की आखिरी हार थी। बैटरीन और उसके किस्मत के बीच में कोई नहीं आएगा। रिंग का पता मैं खुद लगाऊंगा।